चलो की काफी कमी है, इनका दिल से हम शुक्र करते हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत की, लोगों को उजागर लगे आए, चैतिल से आए सरपंच डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के सदस्य सर बनी और दुगन ब्लॉक दोनों मिला के सर 3400 हेक्टेयर के आसपास हम कृषि भूमि रखते हैं, जिसमें 100% जो है वो अनइरीगेटेड एरिया है सर। इससे पहले काफ़ी फोकस किया गया बनी में, लेकिन पिछले 2 साल से हमने ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, हनी बी, हनी प्रोडक्शन और मशरूम प्रोडक्शन पिछले साल से फोकस किया है सर। इसके साथ साथ हमने एरिया एक्सपेंशन में पोटैटो का, पीस और ओनियन, ये 3 चीज़ें टारगेट की ली थी पिछले 2 साल से, इन तीनों चीज़ों में हम कामयाब रहे। पोटैटो यहाँ सर 40 से 50 हेक्टेयर तक उगता था, पिछले साल 200 हेक्टेयर से ऊपर हमने पोटैटो की एरिया एक्सपेंड किया, जिसमें सर तकरीबन हमारा जो प्रोडक्शन है 12,500 के ऊपर टन प्रोडक्शन हुई पोटैटो में। ओनियन प्रोडक्शन हमारी 1350 टन से ऊपर रही सर। पीज में रेवोल्यूशन रहा सर, पीज में हमने 700 कुछ टन जो है पीज पैदा किए लास्ट ईयर, इस साल भी पीज की प्रोडक्शन यहाँ काफ़ी है। मशरूम हमने इंट्रोड्यूस किया है, कुछ हिस्सों में मशरूम जो है पिछले साल इतना अच्छा नहीं हो पाया, आपसे पहले जो वक्ता बोले और मैं पिछले जो टूर हुआ था मेरा लुआंग में और बाकी एरियाज में, वहाँ से रिपोर्ट थी कि ऑफ सीज़न मशरूम हमारा इतना अच्छा नहीं रह पाया था, मैसीलियम डेवलप नहीं हो पाया था। वहाँ किसानों को जो नुकसान हुआ है, मैंने पर्सनली सबको कहा है कि उस नुकसान की हम भरपाई करेंगे, किसी तरीके से उसको कंपनसेट करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मशरूम की कल्टीवेशन को यहाँ कामयाब बना के छोड़ेंगे। हमने फिर से 700 बैग पिछले महीने यहाँ लगाया है और एक एक्सपर्ट टीम भी भेजी थी कि जो यहाँ ट्रेनिंग दे पाएँ, साथ ही साथ जो मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनको भी निर्देश दिए हैं कि 15 दिन में एक बार अपनी टीम के साथ आएँ, और जिन्होंने भी मशरूम कल्टीवेशन में अगर नहीं स्टेप रखा है उनको वो पूरी मदद करें। वैल्यू एडिशन में सर यहाँ ट्रेडिशनली जो कराड़ जिनको बोलते हैं हम वाटर मिल्स, वहाँ का आटा यहाँ एक्सप्लॉइट होता था, 12-13 रुपये किलो जाता था सर मेज का, उसको हमने यहाँ 120 रुपये किलो उठा के डिफरेंट जो हमारे फैसिलिटी सेंटर्स हैं वहाँ पे बिकवाया, और पिछले साल 200 क्विंटल से ऊपर एटसोर्स हमने यहाँ से उठा के और 20 रुपये की प्रति केजी उठा के हमने नीचे भिजवाया सर। कसरोड जो ट्रेडिशनल फर्न है यहाँ की, उसका अचार हमने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से डलवाया और उसको मार्केटिंग देने में सहायता की। जैसा कि मैडम ने अभी बताया सर कि मार्केटिंग में थोड़ी समस्या रहती है, ये हम भी समझते हैं सर कि यहाँ जब भी कोई मार्केटिंग सरप्लस हो जाता है किसी भी फूड वैल्यू में तो उसकी मार्केटिंग की समस्या आती है। जैसा अभी मार्केटिंग अगर यहाँ हो जाएगी तो उसमें काफ़ी सारी समस्या का समाधान होगा, लेकिन फिर भी हमने अपने जो AEs हैं जो डिफरेंट पंचायत में काम करते हैं उनको कह रखा है जहाँ भी मार्केटिंग सरप्लस हो तो हम खुद भी उनकी समस्या का हल करते हैं और खुद भी मार्केटिंग करवा के, जो हमारा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप फैसिलिटी सेंटर बसोली में है, कठुआ में है, वहाँ उनका सामान बिकवाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। महादेव प्रिंटिंग प्रेस बसोली, फ्लेक्स बनवाने हो या फिर घर और दफ्तर में 3D वॉलपेपर हो लगाना, महादेव प्रिंटिंग प्रेस है ना। बस यही नहीं और भी है बहुत कुछ, शादी का कार्ड, कैरी बैग, बैनर, विजिटिंग कार्ड, बिल बुक्स, पोस्टर, स्टिकर, लेटर पैड, पिज्जा एंड केक बॉक्सेस, PVC वॉलपेपर, ग्लो साइन बोर्ड, एक्रिलिक लेटर बोर्ड और रिवर्स कटिंग लेटर बोर्ड, बेडिंग, ड्राई फ्रूट बॉक्सेस। कॉन्टेक्ट करें 9906392292 पर। महादेव प्रिंटिंग प्रेस, जिसका पता है नियर SBI बैंक बसोली।